चाचा चौधरी और खुजली का पाउडर। चाचा चौधरी के दोस्त प्रोफेसर धमाका, जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। कहो भाई धमाका, आज क्या कर रहे हो? मैंने एक ऐसा पाउडर बनाया है जिसे शरीर पर लगाते ही खुजली होने लगती है। ये एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, वह कैसे? यदि हवाई जहाज से एटम बम फेंकने की जगह इसे दुश्मनों की फौज पर छिड़क दिया जाए तो वो तब तक खुजलाती रहेगी जब तक हार न मान ले। इस तरह आदमी भी नहीं मरेंगे और हार जीत का फैसला भी हो जाएगा चौधरी। वाह, प्रोफेसर धमाका एक शीशी चाचा चौधरी की ओर बढ़ाते हैं। लो, एक शीशी पाउडर में तुम्हें भेंट करता हूँ। लेकिन मैं इसका क्या करूँगा? रख लो चौधरी, पता नहीं कौन सी चीज कब काम आ जाए। चाचा चौधरी उस खारिश के पाउडर को लेकर घर चल दिए। घर पहुंचकर, ओहो, धमाका ने ये क्या मुसीबत मुझे थमा दी। इसे मैं कहाँ रखूं? चाचा चौधरी उस शीशी को अलमारी के ऊपर रख देते हैं। हाँ, यहाँ ठीक है, किसी बच्चे का हाथ नहीं जाएगा। रात हुई और चाचा चौधरी सो गए। आधी रात को, चौधरी बड़ी मालदार आसामी है। फिर क्या सोचते हो, खिड़की खुली है, घुस चलो। शोर नहीं, कहीं वह जाग ना जाए। इसकी फिक्र मत करो, चाचा चौधरी ने किसी का कर्जा नहीं देना, सो वो निश्चिंत होकर गहरी नींद सोता है। इसके अलावा उसके पास कोई ताला भी नहीं है, ये भी हमारे फायदे की बात है। वो चोर अलमारी की ओर बढ़ता है। मैं ये अलमारी खोलता हूँ, तुम बैग भरने को तैयार हो जाओ। अलमारी एक झटके से खुल गई, लेकिन हिलने से ऊपर रखी पाउडर की शीशी लुढ़क गई और सीधा आकर गिरी बदमाशों के ऊपर। अरे, ये पाउडर कैसा? पता नहीं, मुझे तो खुजली शुरू हो गई। हाय, मुझे भी खुजली हो रही है। हाय, मर गए। खुजली, बचाओ। आवाजें सुनकर चाचा चौधरी की नींद खुल गई। लगता है दूसरे कमरे में कोई है। दूसरे कमरे में पहुंचकर चाचा चौधरी को स्थिति समझने में देर न लगी। हाय खुजली, कमबख्तो, जाओ नल के नीचे नहाओ। दोनों चोर तुरंत नल के नीचे जाकर खड़े हो गए। हाँ, आपको शांति मिली। चाचा चौधरी, प्रोफेसर ने ठीक ही कहा था, कोई पता नहीं कौन सी चीज कब काम आ जाए। ये पाउडर ना होता तो चोर घर का सफाया कर गए होते।